नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल किसानी पर बहुत बहुत स्वागत। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने फल और सब्जियों में कैसे कीटनाशक को निकालना है। किसान भाइयों, आप तो जानते हैं कि जब भी हम किसी फल या सब्जी का उत्पादन करते हैं तो उसमें कीट का नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक का उपयोग करते हैं। अतः वही कीटनाशक हमारी सब्जियों और फलों में पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। किसान भाइयों, अगर हम अपनी फल और सब्जियों में इस कीटनाशक को निकालना चाहते हैं तो हमें फल और सब्जी को पकाने से पहले एक बर्तन में पानी में भिगोकर उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, उसका डालना है तथा 15 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद उस फल और सब्जी में से वो कीटनाशक निकल जाएंगे। किसान भाइयों, हमें खाने से पहले उस सब्जी या फल को छिलके उतार लेना है, इससे पूरे रूप से उसमें से पेस्टिसाइड निकल जाएगा और वो हमारे खाने लायक हो जाएगा। किसान भाइयों, आज की वीडियो में तो मैंने आपको बताया कि हमें फल और सब्जियों में कैसे कीटनाशक को निकालना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।